Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you how to make this DDMF decoder circuit. So basically इसमें हमने एक IC use किया है, MT8870 Motorola नाम की company ने इस IC को develop किया था. इसका काम क्या है कि ये DDMF signals को decode करेगा. DDMF signals क्या होते हैं? जो dual tone multiple frequencies जो हमें हमारे network पे मिलती हैं. कभी आपने देखा होगा कि आप अपने फोन पे 1 प्रेस करते हो, 2 प्रेस करते हो तो हर एक नंबर की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी. उन अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज को डिकोड करने का काम ये डीडीएमएफ डिकोडर करेगा. इसके सर्किट में आपको सबसे पहले 7th और 8th नंबर पिन पे 3.5792 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाना होगा. उसके साथ 22 पिकोफैरड के सिरेमिक कैपेसिटर्स लगाने होंगे. ये क्लॉक सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे यूज करेंगे. और जो इनपुट हमें डीडीएमएफ हमारे फोन के ऑक्स वायर के थ्रू इनपुट मिलेगी उसे हम कन्वर्ट थोड़ा लो लेवल की पिच पे करने के लिए हमने 100 किलो ओम की यहां पर दो रेजिस्टेंस लगाए हैं. तो ये उसके उससे पहले हमने 0.1 माइक्रोफैरड का एक सिरेमिक कैपेसिटर नॉन पोलर कैपेसिटर लगाया जो कि हमें इनपुट देगा. तो यहां से इनपुट को एम्पलीफाई करके थोड़ा ड्रॉप करके नॉइस को डिलीट करके हमें वीपी और बीएन फर्स्ट और सेकंड नंबर पिन पे हमें इनपुट मिलेगी. तो वो हम यहां से इनपुट ले लेंगे इसकी. और उसके बाद हमें 4 बिट का डिजिटल डाटा हमें इस साइड पे मिलेगा जो हमारी पिन नंबर 14 13 12 और 11 ये 4 नंबर पिंस पे हमें यहां पर 4 बिट का डिजिटल डाटा मिलेगा. ये ASCII में कन्वर्ट करके हमें डाटा देगा. जैसे हम अपने फोन से 1 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पिन ऑन हो जाएगी, मतलब D3 आपकी उस टाइम पे ऑन हो जाएगी. और जब हम 2 प्रेस करेंगे तो D2 ऑन हो जाएगी. और जब हम 3 प्रेस करेंगे तो D3 और D2 दोनों ऑन हो जाएगी. 8421 की वैल्यू में हमें डाटा हमें डिजिटल फॉर्म में लैच्ड फॉर्म में बेसिकली हमें यहां पर मिल जाएगा. और VDD पे हमें इसे 5 वोल्ट, ये जो IC है हमारा 4.4 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट के बीच में काम करता है. इससे ज्यादा वोल्टेज देने पे ये IC खराब हो सकता है, इसीलिए हमने यहां पे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगाया ताकि हम इसे 9 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकें. उसके बाद जो इसकी VDD पिन है यहां पर भी हमने एक 0.1 माइक्रोफैरड का सिरेमिक कैपेसिटर लगाया ताकि हम DC जो नॉइज है उसे ब्लॉक कर सके. उसके बाद जो इसकी 16 नंबर पिन है वहां पर हमने 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है ताकि हम एक्स्ट्रा नॉइज को और ज्यादा ब्रेक आउट करके आउटपुट एग्जैक्ट जनरेट कर सके. आपने देखा होगा कभी आपने VPO में कॉल की होगी तो जब आप 1 प्रेस करते हो वो आपको अलग मेन्यू में कैरी फॉरवर्ड कर देता है. वो लोग भी इसी डिकोडर सर्किट का यूज करते हैं फ्रीक्वेंसीज को डिकोड करने के लिए. तो चलिए अब इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं. तो ये 9 वोल्ट की बैटरी से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं. उसके बाद एक ऑक्स वायर मुझे लगानी होगी इसके साथ और एक मेरा फोन है यहां पर इसके साथ. अब जो डीडीएमएफ फ्रीक्वेंसीज इस फोन पे रिसीव होगी वो यहां पर आएंगी ऑक्स वायर के थ्रू और उन्हें डिकोड करके मैं यहां पर 4 बिट का डिजिटल डाटा लूंगा. ओके, तो चलिए अब मैं कॉल करता हूं. तो देखिए अब मेरी कॉल जो है वो रिसीव हो गई है. अब मैं जैसे ही यहां पर 1 प्रेस करूंगा थोड़ा से डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा इसे. अब मैं जब 1 प्रेस कर रहा हूं तो मेरी आउटपुट जो है वो 1 नंबर पिन जो है वो हाई हो जाएगी. उसके बाद 2 प्रेस करूंगा तो ये पिन हाई हो जाएगी. उसके बाद 3 तो दो इनपुट्स हाई हो जाएंगी. 4 5 6 7 8 पिन पे लास्ट वाली इनपुट हाई हो जाएगी क्योंकि ये जो है हमारी MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और 9 पे हमारी 8 और 1 वाली पिन हाई हो जाएगी. उसके बाद 0 स्टार हैश. ऐसे आप अलग-अलग डाटा डिजिटल डाटा इसके थ्रू ले सकते हो. आप चाहो तो इसके साथ रिले मॉड्यूल भी लगा सकते हो जिससे आप इससे होम ऑटोमेशन सिस्टम भी बना सकते हो. इसकी रेंज अनलिमिटेड है, जहां तक आपके GSM नेटवर्क की रेंज होगी वहां तक आपको ये डाटा सारा मिल जाएगा.
इसका जो सर्किट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 100 किलो ओम की दो रेजिस्टेंसेस मैंने यूज की हैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के बीच में 0.1 माइक्रोफेरेड। ये जो डीटीएमएफ सिग्नल है जो हमारी ऑक्स वायर है उसके दो टर्मिनल्स हमें यूज कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट में से कोई एक सिग्नल और फिर एक ग्राउंड। एक ग्राउंड को ग्राउंड कर दीजिएगा और जो लेफ्ट या राइट में से कोई एक यूज करके डीडीएमएफ वाली पिन पे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद 7 और 8 के बीच में हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया सिरेमिक कैपेसिटर्स के साथ और D3, D2, D1, D0 ये जो 11 to 14 नंबर पिन है ये हमारी डिजिटल आउटपुट पिन है और बीसीसी हमें जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू दी है 7805 जो 18th नंबर पिन है हमारी। और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्किट में ईएसटी पिन पे हमने 330 किलो ओम भी लगा सकते हो आप, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। और 17th पिन को भी हमें हाई रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हैं। मैंने जो आईसी इसमें यूज किया है ST9170 आईसी यूज किया है, कन्वेंशनली इसे मोटरोला कंपनी ने MT8870 के नाम से बनाया था बट अब इसे हाईटेक कंपनी ने भी बनाना शुरू कर दिया 9170 के नाम से। ओके तो इस तरह से आप ये सर्किट काफी आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक अवर वीडियो।